सीपी शेखर नगर में मचे बवाल के बाद वकीलों ने भी पंडरीनाथ थाने का घेराव करने का प्रयास किया। दरअसल वकीलों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लाठीचार्ज के दौरान एक वकील की भी बर्बरता से पिटाई की थी। इस मामले में वकीलों ने थाना प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग भी उठाई। इंदौर के सीपी शेखर नगर में हंगामे के बाद वकीलों ने भी थाने का घेराव कर दिया। दरअसल वकीलों का कहना था कि पुलिस ने सीपी शेखर नगर मामले में हाईकोर्ट में पैरवी कर रहे वकील की बर्बरता पूर्वक पिटाई की है। इस मामले में वकील हेमंत परमार का कहना था कि पुलिस ने उन पर भी जमकर लाठियां बरसाई। हमने पीआई लगा रखी है तो एक बच्चे की डेट हो गई थी, कुछ दीवार वार गिर गई थी नगर निगम की, कलो घर वर हटा भी रहे थे। तो सर मैं आया यहाँ पर देखने के लिए, पुलिस वाले साहब के साथ पीछे ही खड़ा था चौराहे पर ही। पुलिस वाले साहब लोगों ने बोला कि इनको पकड़ कर थाने ले जाओ, बोले ये वही वकील है बोले। और मीडिया वाले सब बता भी रहे कि ये वकील साहब बोले। इतने में तो बोले अरे मारो, बोले ये वही वकील है, सबको भयंकर मारपीट चालू कर दी, भयंकर मारपीट लठी। सर उस टाइम ना तो कोई पब्लिक थी ना कुछ थी, बस चार पांच वकील साहब, चार पांच पुलिस वाले और सिर्फ एक मैं अकेला। और वही वकीलों ने इस मामले में कड़ा आक्रोश जताया। वकीलों ने पंडरीनाथ थाना प्रभारी को हटाने की मांग भी की। के साथ में यूनिफॉर्म में थे या उनको यूनिफॉर्म में भी जानते बूझते तय नीति के अनुरूप, क्योंकि उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगा रखी है और सुप्रीम कोर्ट में भी लगा रखी है। ये यहाँ के शेखर नगर के गरीबों के मामले में इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। आज इंदौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष यहाँ है और हमें जैसे ही ज्ञात हुआ हम यहाँ आए, हम शांतिपूर्ण तरीके से एक हमारे अभिभाषक के साथ में जो जुल्म ज्यादाती का व्यवहार हुआ है, ये क्या बस्तर और झाबुआ की पुलिस है, ये शहर की पुलिस। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर स्थिति तो काबू कर ली है, लेकिन जिस तरह से लोगों ने इस घटना के बाद आक्रोश जाहिर किया है, उसके बाद प्रशासन के सामने भी कड़ी चुनौती जरूर खड़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।